सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ने चेहरों को शामिल करना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनावों में हमीरपुर के निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी को जिताने के लिए नए चेहरों को जिला कार्यकारिणी की कमेटी में डालना अवश्य हो गया था। वहीं इन चेहरों को जिला कांग्रेस कमेटी में डाला गया है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए ताउम्र पार्टी की सेवा की है। ये बात कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष तिलक राज कश्यप, अमरदीप राणा, सचिव विनय शर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वर्षों से कांग्रेस के कट्टर सिपाही हैं वह। कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे बखूबी निभाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन ने निर्णय लेकर संगठन में जो दायित्व सौंपा गया है उसे अच्छे से निभाने का प्रयत्न करेंगे। वहीं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पद से हटाया गया है, उन्हें संगठन किसी अन्य जगह पार्टी की जिम्मेदारी दे सकता है। उन्होंने बताया कि पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देती रहती है। यदि जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है तो यह नहीं समझना चाहिए कि पार्टी के संगठन में मतभेद हो रहा है। संगठन पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। वहीं ब्लॉक स्तर की बैठकों में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा की अनुपस्थिति पर कन्नी काटते हुए ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि संगठन के साथ स्थानीय विधायक का तालमेल है। बीते विधानसभा चुनावों में भी जीत का कारण संगठन के द्वारा ही किए गए कार्यों का नतीजा है। वहीं राजेंद्र वर्मा ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता के लिए मोदी सरकार को झूठे वादों को लेकर चर्चा करेगी। वहीं जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष तिलक राज कश्यप, सचिव विनय शर्मा, अमनदीप राणा, कैप्टन चमेल सिंह, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन ईश्वर सिंह हरिश्चंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।